जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप सकलानी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर प्रॉपर्टीज़ में। तो आज हमें देहरादून की एक और बहुत ही प्यारी सी लोकेशन के अंदर, जगह को बोलते हैं सुमेरु विहार, और सुमेरु विहार के अंदर अभी हमें ईस्टर्न आर्क के अंदर, ईस्टर्न आर्क एक बहुत ही वेल डेवलप्ड सोसाइटी है, और आने वाले टाइम के अंदर जो है यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि एक बहुत अच्छा खासा जो है आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट, देख सकते हैं पीछे जो है वो ग्रीनरी देख सकते हैं आप, और एक अच्छी लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है, बहुत आने वाले टाइम की बहुत डेवलप सोसाइटी है रहने वाली है। और अभी भी अगर मैं बात करूँ इन प्रेजेंट, तो यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लगभग 40 से 50 घर अभी इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर हो रहे हैं, अभी कंप्लीट चल रहे हैं। और यहाँ पर पीछे भी मैं आपके सामने एक घर लेकर आया हूँ जो कि 3 BHK यहाँ पर रहने वाला है, और 3 BHK हाउस के अंदर जो है आपको ये पूरी तरीके से ओनर बिल्ड की फिनिशिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि ये जो घर बन रहा है वो ओनर बिल्ड है, ओनर जो है इसको बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, आपको जो है ये घर मिलने वाला है आज, क्योंकि ये घर यहाँ पर ओनर अपना बेचने जा रहे हैं। तो इस घर के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको लोकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया सुमेरु विहार जो पड़ता है एरिया, ये पड़ता है शिमला बाईपास रोड पर, बड़ोवाला के अंदर ये पड़ता है। यहाँ पर दो अप्रोच है आपके, दो तरीके से आप आ सकते हो। अगर आप प्रेम नगर से हो तो आप प्रेम नगर चौक से आ सकते हो, अगर आप जो है ISBT से आ रहे हो तो बहुत ही सीधे आपको जो है शिमला बाईपास रोड पे हाईवे के अंदर आपको सीधे आना रहता है। सुमेरु विहार का गेट आपको बीच में मिल जाएगा, जो कि जिससे आप जो है अंदर एंटर करके मुश्किल से जो है यहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप इस घर तक पहुँच सकते हो। ये सुमेरु विहार लेन नंबर 17 है, और लेन नंबर 17 के अंदर जो है आपको ये घर मिलने वाला है। तो चलिए अब मैं घर के बारे में थोड़ा सा आपको अंदर से ओवरव्यू कर देता हूँ। जो घर की प्राइसिंग रहने वाली है बहुत अच्छी रहने वाली है, नॉमिनल प्राइसिंग रहने वाली है। इस घर को आप दो तरीके से यहाँ पर ले सकते हो, दो तरीके से इन द सेंस, पहला आप चाहो तो जैसे अभी है हूबहू जैसा है वैसे ही आप ले सकते हो, दूसरा यह है कि इसको हम जो है पूरी तरीके से अभी बना रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट होता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन रुकने वाली है, कंस्ट्रक्शन चलती रहेगी। तो आपको जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा वैसे भी आप चाहे तो ले सकते हो। इस पर जो डोर्स यूज़ होने वाले हैं, जिस पर मटेरियल यूज़ होने वाला है, जिस पर सरिया यूज़ होने वाला है, बहुत अच्छी क्वालिटी का 16 mm से लेकर 20 mm 12 mm का सरिया यहाँ पर यूज़ हो रखा है। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी के अंदर, सुमारी की टाइल्स हैं, इसके अलावा जो है आरेकी की टाइल्स है, ये आपकी टाइल्स का भी यहाँ पर यूज़ रहने वाला है। अब घर के बारे में बात करूँ, घर की सबसे पहले कार पार्किंग यहाँ पर रहने वाली, कार पार्किंग आप देख सकते हो ईजिली यहाँ पर जो है वो एक बड़ी कार आसानी से यहाँ पर पार्क हो जाएगी। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉर्च एरिया आपका रहने वाला है, यहाँ पर आपका जो है सबमर्सिबल अंडर वाटर टैंक आपको सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बाकी एरिया आप स्पेस देख सकते हो, इसको आप चाहो तो गार्डन एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपके हैंड में है कि आप उसको कैसे डेकोरेट करते हो। बाकी अब एंट्रेंस की बात करूँ तो एक एंट्रेंस आपकी यहाँ पर जो है वो आप ड्राइंग एरिया के अंदर से आपको एंट्री करवाती है, यहाँ से आप ड्राइंग एरिया के अंदर चले जाते हैं, और एक एंट्री आपकी जो है डायरेक्टली यहाँ पर किचन और साथ में डाइनिंग एरिया के अंदर यहाँ पर एंट्री करवाते हैं। ये मेन एंट्रेंस रहने वाली है, मेन एंट्रेंस के अंदर जैसे ही आप आते हैं यहाँ पर आपको तो एक बहुत ही प्यारी सी जो है यहाँ पर लॉबी मिल जाती है, लॉबी का साइज़ देख सकते हैं, ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा एक हॉल आपका आ जाता है, ड्राइंग हॉल, जो कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे साइज़ में बहुत अच्छे स्पेस के साथ रहने वाला है। इसके ऊपर आप अभी जो है टाइल्स वगैरह का वर्क होना है, टाइल्स अभी इस पर लगनी है। इसके अलावा ऊपर आप देख सकते हो फॉल सीलिंग का कॉम्बिनेशन बहुत सॉलिड रहने वाला है। घर की जो कंस्ट्रक्शन बिल्ड क्वालिटी रहने वाली है बहुत अच्छी रहने वाली है, मैंने पहले ही आपको बता दूं कि अगर इस कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो इस कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आज के टाइम पीरियड में 2000 से लेकर 2100 रुपये तक की स्क्वायर फीट के अंदर यहाँ पर कॉस्ट आ रही है। तो आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ ये घर जो है बहुत अच्छा यहाँ पर पड़ने वाला है प्राइस रेंज के हिसाब से। अब हम आते हैं इसके जो है यहाँ पर फर्स्ट रूम की तरफ। रूम आप देख सकते हैं, पहला रूम जो कि मास्टर बेडरूम रहने वाला है, इसका साइज़ एक बार आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा साइज़ है, 14x14 का ये रूम है। इसके अलावा इस पर जो है आपको जो है अटैच साथ में जो है वो वार्डरोब्स मिलने वाला है, और वार्डरोब्स का जो साइज़ है वो एक बहुत अच्छा साइज़ यहाँ पर रहने वाला है। इस एरिया की बात करूँ तो इस एरिया को स्टोर एज अ स्टोर की तरह आप यूज़ कर सकते हो, स्टोर एरिया हो गया या ड्रेसिंग एरिया हो गया, साइज़ आप देख सकते हो एक अच्छा साइज़ इसका भी रहता है, और इसमें भी आपको स्पेस के लिए पूरा जो है ऊपर स्पेस दिया गया, बहुत अच्छा जो है यहाँ पर ये बनाया गया है। इसके अलावा घर के चारों तरफ स्पेस जो छोड़ा गया है पीछे से आप देख सकते हो, पीछे से स्पेस छोटा हुआ है, इसमें स्पेस जो इसका छोटा हुआ है पीछे से 2 फीट का पीछे से छोटा हुआ है, 3 फीट का जो है वो आपके एंट्रेंस में राइट हैंड साइड में छोटा हुआ है। इसके अलावा जो है वो तीन तरफ से जो है इसका पूरा स्पेशियस है, आपको तीन तरफ से खुला मिलने वाला है, एक साइड से इसकी लॉक रहने वाली है। तो यानी आपको घर का जो है पूरा का पूरा जो स्पेस है वो बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है। तो किचन की अगर मैं बात करूँ, उसका किचन आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छा स्पेशियस यहाँ पर किचन रहने वाला है, साइज़ आप देख सकते हो। इसके अंदर भी जो जो फिटिंग्स है सारी की सारी वो जगवा रहने वाली है, मॉड्यूलर किचन रहने वाला है, आप अपने
हिसाब से चाहो तो डेकोरेट करवा सकते हो। आप ये कहोगे कि इसमें जो कोई पेंट कौन सा करवाना है या फिर चाहे वो फिटिंग्स कौन सी करवानी है, आप चाहो तो अपने हिसाब से भी उसको डेकोरेट करवा सकते हो हमसे। तो फिटिंग्स आप देख सकते हो, बाकी वेंटिलेशन के लिए पीछे जो है वो खिड़की बहुत आपको प्रॉपर मिल जाती है, आप चिमनी वगैरह आपको प्रॉपर लग के यहाँ पर मिलेगी अगर आप इसको कंप्लीट लेने वाले हो। इसके अलावा चौखट भी आप जापानी चौखट इसकी यूज़ होगी, 7 फीट की चौखट रहने वाली यहाँ पर, बहुत अच्छी जो है वो साइज़ में यहाँ पर रहने वाली है। अगर मैं इसकी पूरे की पूरी लैंड एरिया की बात करूँ तो इवन 200 गज रहने वाली है, जिसकी फ्रंट आ रही है जो वो लगभग 34 आ रही है और इसकी जो डेप्थ आ रही है वो 53.5 आ रही है। तो इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट फेसिंग के साथ आपको ये मिलता है घर। इसके अलावा अब आते हैं इसके दूसरे रूम में, दूसरा रूम आपने देख लिया होगा। इसका जो साइज़ रहने वाला है ये भी 11x लगभग आपका 15 का ये रूम साइज़ रहने वाला है। इसके अलावा आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ड्रेसिंग एरिया आपको पीछे ये स्पेस मिल जाता है, इस पर आप वार्डरोब भी लगा सकते हो या ड्रेसिंग एरिया का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसको यहाँ पर एक साथ में इसके इस रूम के साथ आपको जो अटैच वॉशरूम मिल जाता है। जो फिटिंग्स रहने वाली है वॉशरूम्स के अंदर, जो किचन के अंदर जहाँ पर भी आपको फिटिंग्स मिलने वाली है, जैगवार फिटिंग के साथ आपको जो ये मिलने वाला है। प्रीमियम क्वालिटी टाइल्स जो है वो मैंने जैसे बताया आपको कि टाइल्स वर्क भी हो गया, वो सारा कुछ आपको जो है प्रीमियम में मिलने वाला है। तो ये हो गया इसका ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको एक कॉमन टॉयलेट और मिल जाता है, जो कि आपका जो है यहाँ पर लॉबी एरिया से आप यहाँ पर इस तरफ जो है इस साइज़ में आप देख सकते हो, एक बड़े साइज़ का यहाँ पर जो है आपको एक वॉशरूम भी यहाँ पर मिल जाता है, वॉशरूम का साइज़ भी आप देख सकते हो। अब आते हैं हम इसके जो है फर्स्ट फ्लोर के अंदर, और फर्स्ट फ्लोर की जो एंट्रेंस रहने वाली है वो इनसाइड रहने वाली है यहाँ पर ऊपर के लिए। तो जैसे हम फर्स्ट फ्लोर में पहुँचते हैं, फर्स्ट फ्लोर में आपको जो है यहाँ पर एक रूम मिल जाता है, जो कि एक सेपरेट रूम है। 3 BHK हाउस ये बनाया गया है, 3 BHK आपका रहने वाला है। तो 3 BHK में आपको एक रूम ऊपर मिल जाता है, 2 रूम्स नीचे मिल जाते हैं। इस तरीके से घर जो है पूरी तरीके से अगर मैं बोलूं तो 200 गज का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रखा है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर आप बाहर देख सकते हो, क्योंकि इस एरिया का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एज अ बालकनी। यहाँ पर आप अपने टफन ग्लासेस यूज़ करके बहुत अच्छे बिल्ड क्वालिटी का इस घर को और भी बना सकते हो। पीछे आप देखोगे तो पीछे भी काफ़ी स्पेस है, आप लगभग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा स्पेस है। यहाँ पर भी 2 कमरे ईजिली बन सकते हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन और बढ़ा सकते हो आप आपके हैंड में, जैसे जैसे जो है वो आपको जैसे जैसे प्राइसिंग जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको उस तरीके से आप इसको बना सकते हो और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। सामने आप देख सकते हो इसके जो है वो असन नदी यहाँ पर जो है वो सामने से निकल रही है, ये बहुत ही जो है वो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा व्यू यहाँ पर देने वाली है। सामने से असन नदी है, सामने ये 50 फीट की रोड है, घर के आगे जो है वो 20 फीट की रोड रहने वाली है। कॉलोनी एक बार आप देख सकते हो, ईस्टर्न आर्क अपने आप में एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, जो कि शिमला बाईपास के अंदर जो है वो बहुत जो है एक अच्छी लोकेशन जहाँ पर अच्छे लोग यहाँ पर सोसाइटी के अंदर आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो है वो नदी का पानी बहुत साफ़ सुथरा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके इधर पुस्ते लगाए जा रहे हैं, तो पूरा प्रॉपरली मतलब ये जो एरिया है इसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आने वाले टाइम में, आज के टाइम पीरियड की बात करूँ, तो जो यहाँ पर लैंड ज़मीन का ही प्राइस है वो 16-17 हज़ार रुपये गज बिक रहा है, 16 से लेकर 17 हज़ार रुपये गज के बीच में यहाँ पर ज़मीन के रेट हैं, और आने वाले टाइम में बढ़ते ही जाएंगे, आपको बढ़ते हुए ही रेट यहाँ पर मिलेंगे। तो इस घर के जो कंस्ट्रक्शन है, अगर आप ऐसे ही चाह रहे हो इसको घर को ख़रीदना, तो इसका जो रेट रहने वाला है वो 75 लाख रुपीज़ है, और अगर आप जो है इसको पूरी तरीके से डेवलप करके यानी फिनिशिंग कंप्लीट चाह रहे हो तो 80 लाख रुपए ओनर की डिमांड है। यानी कि दोनों कंडीशन में आप ले सकते हो, आप ऐसे लेना चाहो तो ऐसे ले सकते हो, आप चाह रहे हो कि आप जो इसको कंप्लीट करके जो है ओनर आपको दे तो 80 लाख रुपीज़ इसमें रहने वाला है। इसमें जो फिटिंग्स मिलने वाली हैं वो सारी सॉलिड क्वालिटी की, और जो दरवाजे मिलने वाले हैं पूरे के पूरे वो सारे के सारे साल की लकड़ी के यूज़ होने वाले हैं। यानी क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, और एरिया वाइज भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलने वाला है। एरिया की अगर स्कूल की हो गई या कॉलेजेस की हो गया या फिर जितनी भी लोकल फैसिलिटीज़ होगी वो आसपास में रहने वाला है। यहाँ से ISBT की बात करूँ तो ISBT यहाँ से 7-8 किलोमीटर के दायरे में रहता है। प्रेम नगर चौक जो है यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर में है। उसके अलावा सोसाइटी के अंदर सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कन्फेक्शनरी स्टोर हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ आसपास में ही रहती है। तो अगर इस घर में आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपको पॉपअप हो रहा होगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ले बाय, थैंक यू सो मच।